أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وكفى والصلاه والسلام على محمد المصطفى سيد الانبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم इन दोस्तातों आजादारान इमाम अली मकाम जैसे गुजा दो मजालिस में आपके खदमत में अर्ज किया गया कि इस सिलसिले कलाम का इनवान और मौजू अहदाफ़ और अगराज क़याम है अब्दुल्लाह अब्दुल्ल हसैन आलाम पे गुफगु होगी किसी भी काम के अहदाफ़ या अगराज़ मकासद एक हम किसी के काम के हम ख़ुद बयान कर रहे होते हैं ढूंढ रहे होते हैं तलाश कर रहे होते हैं कि किस मकसद से किसी से ये काम सरजद हुआ है लेकिन बेहतरीन तरीक़ा ये है कि जिस फ़र्द से ये काम सरजद हुआ है उसके कलाम में ढूंढा जाए कि उसने किस मकसद और हदफ़ के तहत इस काम को अंजाम दिया है इमाम हुसैन आलाम मदीना से रवानगी से लेके असर आशूर तक जो मुख्तलिफ़ मकाम पर मुख्तलफ़ और मतदद खुदबात इमाम आल मकाम से सामने आए उन खुदबात में से एक में मौलाना अपने क़्याम का जो मकसद है हदफ है अपने नूरानी कला में बयान फ़रमाया उस बयान में मौला फरमाते हैं कि इन लम अखरुज अशरँ वला वतरों वला मुफ्दम वला वालिमा वनमा ख़रज तुल उम्मत जद्दी में नुवत गुरूर और तकबर की वजह से या रुए ज़मीन पर शर फैलानाने के लिए फ़ितना अंगेज़ी के खातिर नहीं उठा हूँ मेरा कयाम सिर्फ़ और सिर्फ असलाह उम्मद है तो मौलाना अपने इस नूरानी कलाम में अपने क़याम का वाज अल्फाज में ऐलान फरमाया ये इस मौजू पर अगरचि इससे पहले भी बहुत काम हुआ है क़राम क्राम दानशमंदान की तरफ से इस मौजू पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं बहुत सारे जो है लेक्चर इस पर आपको मिलेंगे लेकिन फिर भी इस खातिर इस मौजुआ पे मज़ीद काम की गुंजाइश नज़र आई कि मुखालफन और सरत और सन्नत अलवैत से नाशना लोगों ने कुछ ऐसे अहदाफ़ इमाम हुसैन के क़्याम के लिए तराशे जो इमाम अली मकाम की शख्सियत और इमाम अली मकाम के अजमत और मकाम और मरतबे से हम आहंग नहीं हैं मसलन बाज़ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये इमाम आली मकाम का एकदम एक कबाइली एक ख़ानदानी नस्ली चपकलिश का जो है नतीजा करार दिया उन्होंने बनो हाशिम और बनो बनोमैया में शुरू से ही एक तरह की जो है चपकलिश चली आ रही थी और वो आगे जाके के हादसे आशूरा का सबब बना तो हमने अर्ज किया था आपकी खिदमत में और मज़ीद इन शिदमत में ये बात क्लियर और वाज़ कर देंगे कि इमाम अल मकाम का ये क़्याम बिल्कुल भी किसी नस्ली कबील कव, या ख़ानदानी टसल और चपकलिश का नतीजा नहीं हो सकता चूँकि आका इमाम अली मकाम इमाम हसैन असलम अलैहि वसल्लम के नूरानी कलाम के मुताबिक पेम्बड ग्रामी की सीरत और सुन्नत के लिहाज से जिस मरतबे पर फायज़ हैं अल हसन वल सैदा शबाब अहल जन्ना इन्ना इबन, इन्ना इबनाया आज़ानी इमामानी कामा अवका जैसी अहदिस पेम्बड ग्रामी से तमाम इस्लामी फिरक में पाई जाती हैं और मतबर रिवायात हैं कि इमाम हसन और हुसैन जन्नत के अहले जन्नत के जो है सरदार हैं और ये दोनों मेरे बेटे हसन हुसैन इमाम हैं हादी हैं रहनुमा हैं चाहे ये बैठे हों या खड़े हों और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह और इससे पहले वाक़ करबला से पहले मौला हसन अलैहिस्सलाम की सुलह माविया के साथ और अली मुर्तज़ा का खिलाफत से बेताल्लुक रहना छः नफरी कमेटी की पेशकश को ठुकरा देना ये सारी बातें बताती हैं कि आई में अलवैतम किसी कबीली और ख़ानदानी तसब की बुनियाद पर कोई इकदाम नहीं उठाया है ये सिर्फ़ असूलों और इस्लामी और वही यानी वही की तलिमात की बुनियाद पर अख्तलाफ किया है अगर माशरे में किसी के साथ इनका अख्तिला रहा है यही वजह है बाज़ दफ़ा मौलाली से ले कर मौला हुसैन आलाम तक अपने खूनी दुश्मनों को भी माफ़ करते हुए नज़र आते हैं हमें चूंकि उनकी दुश्मनी फर्दी हद तक थी तो इमाम का ये शेवर रहा है कि बड़े बड़े अपने दुश्मनों को कोलवी वतलवी का सबूत देते हुए मुख्तलिफ मकाम पर उनकी बख्शिश हुई उनको माफ़ कर दिया उनके साथ मुकाबला बेमस नहीं किया और ये सरत तयबा बताती है कि आईमा आलम का जो अकदाम होता था वो किसी खानदानी टसल या उसका शाखसाना नहीं हो सकता है दूसरा एक इन्होंने हदफ़ बयान किया है हसूल अकतदार के लिए शायद क़्याम फर्मा यहाँ तक कि बाज़मा ये कहने लगे कि ये दो शहज़ादों की जंग थी करबला ये अगर हसूल अकतदार इमाम आली के मद्द नज़र होता तो मदीने से रवानगी से लेकर आशूर तक जो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने नूरानी कलिमात में अपने अकवाल में अपनी सीरत से जो कुछ अमली तौर पे बताया उससे ये जाहिर नहीं होता है कि इमाम अकतदार की जंग लड़ने निकले हों जमाने के हाकिम के ख़िलाफ़ क्योंकि इमाम की रवानगी से आप देख लें तो अंदाज़ा होगा कि इमाम के काफ़िले में डेढ़ दो महीने का बच्चा है ख़वात हैं बीबियाँ हैं खानदान ख़ानदानसमत व तहारत की जो है तीन साल से ले कर पचास तीस साल चालीस साल मुख्तलिफ़ एज के अफराद इमाम के काफ़िले में शामिल हैं जैसे कि किकबाल ने कहा मुद्द आ सल्तनत बू अगर खुद न कर दी बाचिनी सामा सफ़र अगर हुकूमत वक्त के खिलाफ हसूल अकतदार की जंग लड़नी होती तो वो यूँ नहीं निकलता है अपने वतन से कि आलो आयाल और बच्चों के साथ और इस तरह के सामान के साथ सफ़र नहीं करता है जो मौला हुसैन ने किया उसके लिए तो शमशीर बज़न शमशीर बेकफ बे सिपाही चाहिए होते हैं जिनको पहले आमादा किया जाता है और फिर किसी हाकिम के ख़िलाफ़ अकतदार की जंग लड़ने निकलता है इंसान तो इमाम अल मकाम अपने फहम व फरासत में नौज़ एक माशरे के ऐसे फ़र्द के मानन भी नहीं करार दे सकते हैं जो सियासी शूर और सूझबूझ से आरी हो लिहाजा इमाम के काफिले से हमें अंदाज़ा होता है कि इमाम किसी से अकतदार की जंग लड़ने नहीं निकले हैं एक और हदफ मौला के चाहने वालों ने बयान फरमाया है जो इमाम की मंतिक और और इस्लाम की तलीमत से भी मैच नहीं करता है वो है इमाम आले मकाम ने अपने अजीम तरीन कुरबानी पेश की ताकि नाना की उम्मत के गुना बख्शवाए ये वही कंसेप्ट है जो आम तौर क्रिश्चियनिटी और मसीहत में भी पाया जाता है हजरत अलैहिस्सलाम के मतलब हजरत अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़े ताकि आ, अपने चाहने वाले और पैरोकारों के जो गुनाह हैं वो बख्शवा सकें गोया अगर हम ये कहें कि इमाम गुना बख्शवाने की नीयत से निकले हैं उम्मत की तो ये इमाम की तहरीक के अजमत और इमाम के कयाम के अजमत को हमने मनतकी तौर पर तलीमत क़र्न और सरत नबी मकरम इस्लाम्लम के मनाफी एक अक़ीदा हमने तराशा जी अम्बिया और इईम्स मकाम शफात रखते हैं ये क़ुरान से और अकली दलील से साबित है लेकिन बात यह नहीं है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ग़म को मनाएं इमाम अलैहिस्सलाम की याद और ज़िक्र को ज़िंदा रखें सीनज़नी करें नोह खानी करें मजालिस पढ़ें गिरिया करें इमाम की मजलूमियत पे जितना भी गिरिया किया जाए ये सारे काम कम हैं लेकिन इन तमाम का हदफ ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने गुनाह बख्शवाने के खातिर इमाम को याद करें और इमाम भी इसलिए शहीद नहीं हुए कि उम्मत के गुना बख्शवाएँ इमाम के मद्दनज़र एक अली बुलंद मरतबा हदफ है जिसकी जस्तजु इमाम ने अपनी इस कुर्बानी के ज़रिए से की है अब ये बात कि इमाम ने फरमाया मेरे क्याम का हदफ उम्मत की असलाह है ये तमाम अम्बिया अम्बियाँ का हदफ रहा है जैसे आए शरीफा आपकी खदमत में तिलावत की कि रब कायन हजरत शुब आम की जबानी ये बात बयान फरमाते हैं कि कोर्ट को फरमाते हैं कि हजरत शेब ने कौम को परस्ती से जहालत से और गुमराही से और तमाम गैर इंसानी और बुरे कामों से रोका जब उनकी असलाह करनी चाहिए तो कौम ने मुखालफत की कहा आप हमें जो है अपने आबा व अजदाद के उन कामों से रोकते हो जो सदियों से चले आ रहे हैं जिसके ख़िलाफ़ आज तक किसी ने सोचा तक भी नहीं है ये हजर शुब्म की कौम ने तबलीग के बाद हिदायत के बाद उनके सामने दलीलों के आने के बावजूद भी बुतप्रस्ती से हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं हुई तो हज़र शैब ने फ़रमाया कॉल हज़र शैब आम ने फरमाया या कौम अरे ए तुम ए मेरी कॉम ए मेरी कौम वालो अरे ए तुम क्या इसके बावजूद भी क्या आप ये जानने जान लें इन कन तो अलाबिया तमिन रबी मैं अपने रब की तरफ से रोशन और वाज दलील के साथ आपके सामने बात करता हूँ प्याम लेके आया हूँ जो प्रूफ और दलील रखता है जो अक़ल के मेयारात पर पूरा उतरता है इसके बावजूद भी आप मेरी बात को वरज़ा कनी मिन हो और अल्लाह ने मुझे ऐसा पाकिज़ा रिज़क दिया है वही बेजी है हिदायत का चराग दिया है और दलील से मैं आपको आपके बुरे कामों से इस्लाह करना चाहता हूँ बुरे कामों की वमा उरीदालिफ कम इलामा अन हाकुम अन हो और मैं फिर ऐसा इंसान भी नहीं हूँ कि मैं जो कुछ कहूँ उसके खिलाफ करूँ यानी आपको कुछ और गाइड करूँ और ख़ुद उस पर अमल ना करूँ ऐसा भी नहीं है मैं जो कहता हूँ वहीं करता हूँ और जो करता हूँ वहीं कहता हूँ इसके बावजूद भी मेरे कॉल और फेल में जब कोई तजाद नहीं है तो आपको मेरी राय में को क्या कमज़ोरी नज़र आ रही है हजरत हज़र शुब्म ने और तमाम अम्बिया ने अपने अपने दौर में अपने अपने माशरों में असला माशरे की बात की है और इसी के लिए काम किया है यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है दुनिया के आज तक बड़े बड़े जो मुसलह आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी कौमों को जवाल और पस्ती की अथाह गहराइयों से निकाल कर ओज कमाल तक पहुँचाया है आप तारीख़ उठा के देख लीजिएगा जिस दिन से बशरत इंसानों ने रुए ज़मीन पर कुर्रे अर्ज़ पर कदम रखा इंसानी समाज में बड़े बड़े मसलह आए हैं अभी हमारे ज़माने के अख़ीर के चंद इनकलाबाद ही को देख लीजिएगा किस तरह मुआवजे तंग ने अपनी चीनी आवाम की तकदीर बदल दी और असलाह किया इसी तरह आप स्टालिन और लेनिन को देख लीजिएगा किस तरह रशिया को इन्होंने अपने कौम के एक ख़ास तरीके से ख़ास पहलुओं से अलाह की मार्क्स के फ़लसफे की बुनियाद पर आ, मालिकियत को आ, आ, हक के मालिकियत को ख़त्म किया और खुलासे एक तरह की जो है टेक्नोलॉजी और सनत में और मीशत में इकनॉमिक में अपनी कौम को उठा के आगे ले आए इसी तरह आप फ्रांस के इनकलाब को देखें बकिया ममालिकरान के ईरान के इनकलाब को आप देखें कि एक कौम जो कई सदियों से डिक्टेटरशिप और बादशाहत की चक्की में पिस रही थी उसको गुलामी के जंजीरों से आज़ाद करवाया और कमाल और पेशरफ़्त और तरक्की के उन रास्तों पर पहुँचाया कम अरसे में जो सदियों से वो कौम महरूम थी इन माशरे के इन खूबियों से इन अच्छाइयों से इन कमालात से तो ये एक फ़र्ग है दुनिया के आम मुसलह करने करने वाले और अम्बिया अम्बिया मसलम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को मद्द नजर रखते हुए कौम की उम्म की बशरीत की असलाह फरमाते हैं जबकि दूसरे जितने मसल आए हैं वो ज़िंदगी के एक सिर्फ एक पहलू को लिए आगे बढ़ते हैं और उनकी तवज्जो होती है लेकिन बाद में जब खराबियाँ सामने आती हैं तो फिर असलाह दर असलाह की ज़रूरत पेश आ रही होती है और इनकलाब के जो बानी होते हैं वो फिर बहुत जगहों में देखने में आई है ये बात कि अपने सविक असूलों से हाथ उठा के फिर नए ज़माने के नए तकाज़ों के मुताबिक नए मंशूर सामने ले आते हैं ताकि उस तहरीक को जिंदा रख सकें ये फ़र्क है अंबिया और दूसरे जो दुनिया के माशरे इंसानी माशरे के दुनिया में असलाह कर के नारा लगा के शुआार से आगे आए हैं अलाह देखें इसमें दो पहलू हैं एक तो असलाह कर वाला और दूसरा जिसकी असलाह की जाती है इन दोनों में असलाह करने वाले मसले और जिसकी असलाह की जाती है यानी अवाम यानी अवामाननास और लोग इन दोनों में दो बुनियादी शर्तें हैं तब जाके किसी माशरे की किसी फ़र्द की किसी समाज की असलाह मुमकिन होती है अगर ये दो शराब नहीं हैं तो असलाह का ख्वाब कभी भी शर्मंद तबेर नहीं हो सकता है पहली शर्त तो असलाह करने वाले में है वो ये है कि असलाह का नारा और शार लगाने वाला मुसल ऐसा हो जो ख़ुद साल हो यानी जिसकी ख़ुद असलाह हुई हो जिसने अपने वजूद में तमाम बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंका हो और तमाम अच्छाइयों को रखता हो तब एक ऐसा इंसान जाके किसी माशरे की असलाह कर सकता है और असलाह मुमकिन होती है एक तहरीक को एक क़्याम को एक इनकलाब को बपा कर सकता है रोनुमा कर सकता है अगर इंसान ख़ुद मुसलह न हो अपनी असलाह नहीं कर चुका हो तो यकीन मानिएगा ये असलाह माशरे की इसके हाथों नामुमकिन है ये ऐसा है कि हम अगर कोई चीज़ नजिस हो जाए तो उसको साफ और पाक करने के लिए किसी दूसरी नजस् चीज़ का सहारा लें यानी एक पाक चीज़ जो नजिस हुई हो उसको पाक और साफ करना हो तो एक ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो ख़ुद पाक और साफ हो नजस् चीज़ के ज़रिए से एक नज़स को साफ़ नहीं किया जा सकता है यानी एक ख़राब इंसान माशरे की किसी ख़राबी को ठीक नहीं कर सकता है एक अच्छा इंसान एक सही इंसान एक साल इंसान माशरे की बिगाड़ को ठीक करने की हिम्मत और हौसला और सलाहियत रखता है अगर वो ख़ुद रहनुमा और हादी खुद गुमरा हो तो वो एक गुमराह की असलाह नहीं कर सकता है एक खराबी को ठीक नहीं कर सकता है क्योंकि वो ख़ुद उस खराबी में डूबा हुआ है तो खराबी और असलाह के लिए खराबी को दुरुस्त करने के लिए ठीक करने के लिए सही करने के लिए एक साल इंसान की ज़रूरत पेश आती है साल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि वो उन तमाम मालूम रखता हो जिसके ज़रिए से जो एक किसी हादी के लिए एक मुसलह के लिए ज़रूरी हैं और अपनी कौम को जानता हो कि वो किस मरतबे पर खड़ी है अगर आप के मरतबे पर नहीं है उस मरहल में नहीं है तो असलाह डायरेक्ट असलाह का नारा कामयाब नहीं होगा कभी भी दूसरी शरत अवाम की है यानी आवाम की अलाह के लिए ज़रूरी है कि पहले उनके अंदर खराबी की एहसास पाई जाती हो एहसास ख़राबी और बिगाड़ से बिगाड़ को ख़त्म करना और दूर करना चाहती हो अगर बीमार को अपनी बीमारी का एहसास ना हो अगर खराब और गुमराह शख्स को अपनी ख़राबी और अपने गलत रास्ते का एहसास ना हो तो वो कभी भी अपनी खराबी की असलाह करने अपने गुमराही से हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं होगा लिहाजा पहले जहनी तौर पर इनको तैयार करना होगा एहसास दिलाना होगा कि आप जिस पस्ती के दलदल पर हैं उससे निकल के ओज कमाल के मंजिल पर पहुँच सकते हैं लिहाजा जब तक एहसास न हो खराबी का एहसास न हो जब तक इसीलिए अल्लाह ने बीमार को पहले दर्द में मुबला किया ताकि ये अपने इलाज की तरफ जो है मतवो हो अगर जिस बीमार को इलाज करने का तो न हो तो वो कभी भी सेहतियाब नहीं हो सकेगा लिहाजा ने ईमानी असला के मौजू पर ये जितना भी ए, ए, बात और सोचा जाए बात की जाए और देखा जाए कम है क्योंकि हमारा दिन इस्लाम क़ुरान पेम्बर ग्रामी एम अतःारसमाम ने जिन चीज़ों की तरफ ताक़द और तोज दिलाई है वो है इस्लाह चाहे फ़र्दी हो या हो होह जिस कौम में इस्लाह का शूर न हो जिस फर्द में अपनी इस्लाह का शुरू न हो वो बेहतरी और कमाल और तरक्की के रास्ते पे गामजन नहीं हो सकता है अल्लाह की नेमतों का हकदार नहीं ठहर सकता है माशरे में अपना मकाम नहीं पैदा कर सकता है वो ऐसा फ़र्द होगा जिसकी बागदौड़ हमेशा दूसरों के हाथ में होगी अगर हम अपनी असलाह न करें मौत है वो ज़िंदगी जिसमें न हो इनकलाब रूह है उम्म की हयात कशम कश इनकलाब इलाब यानि असलाह तब्दीली बदलना मुनकलिब होना यानी बदल करना किसी चीज़ को बदल होना इमाम होसाज़म फरमाते हैं ले मन लेनासि नफसहुक्ल योमन मर्रा हम में से नहीं हैं यानी इस्लाम और क़ुर और पैम्बर ग्रामी के हिदायत के रास्ते से दूर है वो शख्स जिसको अपनी असलाह की फ़िक्र न हो जिसको अपनी ज़ात और अपने माशरे की बेहतरी और अच्छाई का न सोचता हो और फर्द और इज्तम में पाए जाने वाली बिगाड़ और मुश्किल और खराबियों का एहसास न हो यही वजह है कि असर आशू के दिन मौला हसैन आलम ने अपनी रवानगी से लेकर असर आशूर तक जो इकदाम अंजाम दिए उसमें कदम कदम पर हमें उम्म की असलाह का दर्ज़ मोज़न नज़र आता है हमें दो महर्रम को इमाम अलैहिस्सलाम का उरूद हुआ करबला में और करबला की सरजमीन पे होर ने लश्कर होर ने जब इमाम इमामअली मकाम का रास्ता रोका देखें एक मुसलह को खुद साले होना चाहिए इमाम ने कदम कदम पे सबूत दिया इस बात का कि मैं अम्बिया का वारिस हूँ मैं एक साल इंसान हूँ दुश्मन ने रास्ता रोका है लेकिन मैंने दुश्मन को सैराब किया हर के लश्कर के घोड़ों को भी इमाम अली मकाम ने अपने पानी के जरिए से उनको सैराब किया उनकी तश्नगी का एहसास फरमाया सजादारो जिस इमाम मज़लूम ने अपने दुश्मन जिसने रास्ता रोका था उसको भी तिश, उसकी तिशनवगी भी दूर की उनके जानवरों तक को भी पानी पिलाया आज मुहरम के तीसरे मुसीबत में हुर के मुसीबत पड़ी जाती है हर आशूर की रात तड़प रहे थे बेचैन थे मुशतरफ थे उससे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ये नवाश रसूल है एक तरफ जो जन्नत के जवानों का सरदार है एक तरफ इब्न ज़ियाद और इब्न साद और यजीद का लश्कर है जो अपने नबी के नवासे पर पानी बन किया है और यंग और जुल्म और सितम के दर पे है अजादारों हर आशूर की रात बहुत तड़पा सुबह हुई आशूर की और इब्न ज़ियाद के पास गया कहा इब्न ज़ियाद इस जंग बंदी का कोई रास्ता नज़र आ रहा है या नहीं इब्न ज़ियाद ने कहा अब तो हम कामयाबी को जो है चूमने वाले हैं कामयाबी के हम किनार हो रहे हैं तो जंग बंदी का तो इम्कान ही नज़र नहीं आ रहा है इतने में हर अपने खैमे में आए और अपने साथी से कहने लगे मैं जा रहा हूँ हुसैन की तरफ मैं पूरी रात जब और तड़प रहा था एक दफ़ा इपन जियाद ने कहा हर अगर मुझसे पूछा जाए कोफे का सबसे बड़ा शुजा इंसान कौन है तो मैं आपका नाम लेता लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हैं बहुत डर और ख़ौफ के आलम में हैं तो हर ने कहा था मैं ख़ुद को जन्नत और जहन्नम के बीच में पा रहा हूँ यही वजह है सुबह आशूर को हर ने अपने बेटे और अपने ग़ुलाम के साथ जहन्नम के से निकल के जन्नत की तरफ जन्नत के सरदारों के सरदार इमाम हुसैन के काफ़िले की तरफ हरकत की और जैसे ही इमाम के ख़ैमे के करीब पहुँचे और अपने घोड़े से उतरे अपने जेब से रुमाल निकाली अपने दोनों हाथों को रुमाल से बांधा और इमाम को आवाज़ दी यबन रसोल्ला अख्ता तो फर्जंद रसूल मुझसे गलती हुई अज़ादारो आप जानते हैं हर कौन है ये वही हो रहे जिसने हुसैन के काफिले को रोकने की गुस्ताखी की थी ये वही और है जिसने काफिले हुसैनी को कोफा से रुख मोड़ के करबला की तरफ किया था और ये वहीं और है जिसकी वजह से जैनब रोने पे पर ग्रियान थी रोने पे मजबूर हुई थी ये वहीं और है जिसने जब काफिले हुसैनी पर पानी बंद करने की बात चली थी तो कोई मुखालफत नहीं की थी ये वहीं और है जिसकी वजह से काफ़िल हुसैनी आज करबला के तपते सहरा में परेशान बैठी हुई है बस अजादारों हर की शख्सियत हमें बता रही है अगर कोई भी मुसलमान कोई भी मोमिन जितने बड़े भी गुनागार जितना बड़ा भी गुनागार क्यों न हो अगर वो सिद के दिल से तोबा करके अपने वक्त के इमाम की खदमत में आए मुआफी तलब करे तो उससे बख्शा जाएगा ऐ सईद शबाब जन्नत की मजालिस वपा करते हैं ये रस्म के तौर पर नहीं है बल्कि हर साल अपने अपने इमाम के सामने अपने गुनाहों से तोबा करते हैं और अपने मौला और आकाश से तजदीद बेत करते हैं और जन्नत के जन जनवानों के सरदार की बेत करते हैं अजादारोहर जैसे मौला के ख्याम के करीब आए मौला से अर्ज किया फर्जंद रसूल अख्ता तुम मुझसे ख़ता हुई मुझसे गलती हुई रहमत आलमीन के बेटे क्या मेरी बख्शिश मुमकिन है इधर ये आवाज़ खेई मुंह तक पहुंची मौला वाका इमाम हुसैन आसम खुद आगे बढ़े और अपने मैं अपने भाई से मौला अब्बास से फरमाया अब्बास मेरा चाहने वाला होर आ रहा है इसके इस्तकबाल को निकलो अरे होर ख़याम हुसैन में आए उसकी गलती और गुनाहों को बख्शा गया रहमत आलमीन के फर्जन ने होर के तौबे को कबूल फरमाया और होर इतने पशीमान थे और सुबह आशूर मौला से कहा मौला मैं अपनी गलती के तोबे और इजाले के लिए अपने गुनाह की बख्शिश के लिए सबसे पहला शहीद अपने बेटे को देखना चाहता हूँ मौला ने इजाजत दी का बेटा इमाम की याद में इमाम के वफा निभाते हुए इमाम की हमदर्दी में फौज अश्किया से लड़े यहां तक कि एक वक्त आया चारों तरफ से हजारों के लश्कर के दरमिया होर के बेटे ने आवाज दी बाबा मेरी फरियाद को आ इतने में होर कर बला में अपने बेटे को जना अपने बेटे के जनाजों को उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहा उसे आगे बढ़े और मौला ने फरमाया हो अरे तू बैठो मैं तेरे बेटे के जनाजे को ले आऊँगा मौला ने फरमाया जवान बेटे के लाश को बूढ़े बाप से उठाई नहीं जाएगी मैं अर्ज़ करूंगा मौला आश्र आशूर है अली अकबर की लाश है अली अकबर की जिगर पर अली अकबर के कलेजी पर बर्छी का फल है बूढ़ा बाप को सहारा देने वाला कोई नहीं है अरे उसे नकेला है अकबर की लाश उठाई नहीं जा रही है बूढ़े बाप से जवान की लाश